अगर घर में दिखे ये सात संकेत तो समझ लीजिए पितरों की कृपा है आपके ऊपर। श्राद्ध पक्ष में चमक सकती है आपकी किस्मत। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस प्रकार देवी देवताओं की कृपा होती है उससे भी कहीं ज्यादा हमारे पितरों की कृपा होना आवश्यक होता है। और श्राद्ध पक्ष में या श्राद्ध पक्ष के आसपास यदि आपको ये संकेत मिलते हैं तो आप समझना कि पितरों की अद्भुत कृपा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर है, क्योंकि पितरों की कृपा के बिना कोई भी व्यक्ति जीवन में उन्नति नहीं कर सकता है। और पितरों की कृपा से ही व्यक्ति को जो है जीवन में बहुत सारा वैभव, धन संपत्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों का आशीर्वाद होना अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि पितर के बिना हम अधूरे हैं और पितर की सेवा के बिना सारी सेवा पूजा व्यर्थ हो जाती है। इसलिए पितर भक्ति मनुष्य के लिए सर्वप्रथम बताई गई है, उसके बाद देवताओं की भक्ति मानी जाती है। इसलिए पितरों की भक्ति करना मनुष्य का परम कर्तव्य होता है। और पितृ पक्ष के आसपास या पितृ पक्ष में यदि ये संकेत आपको मिलते हैं तो निश्चित तौर से आपके ऊपर पितरों की कृपा जल्द ही होने वाली है। हमारे शास्त्रों के अनुसार पितरों के लिए किया गया श्राद्ध आपके परिवार के उन मृतकों को तृप्त करता है जो पितृलोक की यात्रा पर है। इस तरह अपने पितरों को श्राद्ध के माध्यम से दी गई वस्तु पहुंचती है और वे श्राद्ध करने वाले को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अधिकतर लोग इस श्राद्ध पक्ष में नए काम करने से बचते हैं, लेकिन जिन लोगों पर पितरों की कृपा होती है उन्हें नया काम करने से अनायास अचानक जो है लाभ मिलता है। और अनायास ही ऐसे अवसर उनके लिए बन जाते हैं कि पितृ पक्ष में कौन कौन से नए काम उनके लिए करने होते हैं, क्योंकि कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हम चाहते हुए भी नया काम जो है पितृ पक्ष में शुरू कर ही देते हैं। कई बार ऐसे अवसर हमारे जीवन में आए कि यदि हमने सोचा है कि पितृ पक्ष में नए घर का अनुबंध नहीं करना है या नया वाहन नहीं खरीदना है या कोई भी नया सौदा नहीं करना है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती है जो कि पितृ कृपा से ही निर्मित होती है। और पितृ कृपा के कारण ही जो है हमें श्राद्ध पक्ष में नए काम करने का अवसर प्राप्त होता है। तो ये सात संकेत जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं, इनके माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमारे पितर हमारे ऊपर, हमारे परिवार के ऊपर अत्यधिक प्रसन्न है। तो ये सात संकेत को आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सबसे पहला संकेत है, श्राद्ध काल में अचानक धन की प्राप्ति यदि हो जाए, रुका हुआ आपका पैसा आपको प्राप्त हो जाए या फिर रुका हुआ काम शुरू हो जाना, नए काम शुरू हो जाना, यह पितृ पक्ष में जो है पितृ कृपा का दुर्लभ और अद्भुत संकेत है। दूसरा संकेत है, यदि आपके घर के किसी मृत व्यक्ति को याद करते ही आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है तो आपके ऊपर पितरों की विशेष कृपा है। तीसरा संकेत, यदि आपके सपने में पितृ यानी आपके पूर्वज खुश होकर के आपको आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि बेटा जाओ नए काम की तरफ आगे बढ़ो, फलो फूलो, तो ऐसे सपने यदि आप देखते हैं पितृ पक्ष में तो अक्सर जो है आपके लिए जो है ये समझना चाहिए कि पितृ देवता आपसे अत्यधिक प्रसन्न है और आपसे खुश है और वो चाहते हैं कि आप उन्नति करें। इसके बाद अगला संकेत है, चौथा संकेत है कि जब भी आप कोई नया काम शुरू करें और आपको अपने वरिष्ठ लोगों का लगातार सहयोग मिले तो समझ ले कि आपके ऊपर पितरों का भरपूर आशीर्वाद है। पांचवा संकेत है, सपने में सांप को अपनी सुरक्षा और सहयोग करते देखना भी पितरों का आशीर्वाद होने का ही एक संकेत है। छठा संकेत है, अमावस्या या उस तिथि के आसपास जब लोगों को अक्सर नुकसान होता है तब आपको विशेष लाभ होना या वाहन सुख मिलना पितरों की कृपा का ही एक इशारा है। सातवां और अंतिम संकेत है, जिन लोगों के अपने माता पिता से संबंध मधुर होते हैं और घर में कभी भी उनके आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई है तो ऐसे परिवारों पर पितरों की विशेष कृपा होती है और ऐसे लोग जीवन में फलते फूलते हैं और पितरों का आशीर्वाद उनको प्राप्त अवश्य ही होता है।
तो यदि आपको भी ये 7 संकेत पितृपक्ष के आसपास प्राप्त होते हैं तो निश्चित तौर से समझना कि आपके ऊपर पितरों की कृपा होने वाली है। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब सूर्य देवता कन्या राशि में प्रवेश करते हैं तब जो है पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं और यमराज वहां से सारे पितरों को मुक्त कर देते हैं अपने अपने परिजनों के घर जाने के लिए। सभी पितर अपने अपने परिजनों की घर की तरफ आते हैं। इस बार पितृ पक्ष का प्रारंभ 24 सितंबर से हो रहा है जो कि 8 अक्टूबर सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या तक लगातार रहेगा। इस 16 दिन की अवधि में सभी लोग अपने पितरों की आराधना करेंगे, उनके लिए तर्पण करेंगे, श्राद्ध करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे और इसी के साथ ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे और पितरों के निमित्त अनेक परोपकारी कार्य वो जो है करेंगे और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो पितरों की कृपा और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है और हम सभी पितरों की कृपा से जो है आगे बढ़े, उन्नति को प्राप्त करें और पितरों का आशीर्वाद आपके और आपके परिवार के ऊपर बना रहें, ऐसी शुभकामनाएं हमारी ओर से आपके लिए है। आप सभी से हमारा अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।